है ये बागेश्वर धाम? क्या है ये? आपने इसको पार्टी बनाया है? मतलब इट्स ये एक संस्था चलती है नंबर भी गलत बागेश्वर डाले धाम आपने, दी। नंबर भी गलत डाले, 7 नंबर आठ था कि सात तीन है नंबर सर। डाल दिया आपने? क्या है इसका स्टेटस? क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं आप, PIL करने आए हैं? स्पॉन्सर्ड PIL मत लगाइए, नो मत इट इज नॉट सर इट इज स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट मतलब अप्रेस टू बी स्पॉन्सर्ड। आई केम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ही मतलब जाएगा सर, दिस पीआईएल इज माय लॉर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर एनेक्सर पी टू माय लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट इज अ डिक्लेयर्ड ट्राइबल एरियाज एज पर शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माय लॉर्ड देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस माय लॉर्ड गिवन इन आर्टिकल 19(5) वेयर इन माय लॉर्ड इन द ट्राइबल एरिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स माय लॉर्ड सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन गिवन माय लॉर्ड फॉर दैट माय लॉर्ड अ पेसा एक्ट हैज बीन फ्रेम्ड बाय द रेजिडेंट माय लॉर्ड इन दैट माय लॉर्ड सेक्शन 4G माय लॉर्ड पेसा एक्ट लीजिए लोग दे रहे थे। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड माय लॉर्ड इन 1996 माय लॉर्ड इन दैट सेक्शन 4 घ माय लॉर्ड सेक्शन 4 फोर घा माय लॉर्ड ये फोर पढ़ते हैं। डी प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों उनकी संस्कृति पहचान समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी द प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं कार्यक्रम और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए अनुमोदन करेगी फिर चाहे माय लॉर्ड ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा के खंड इंगा में निर्दिष्ट योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभी प्राप्त करेगी एज पर दिस एक्ट माय लॉर्ड दी वॉट एवर दी माय लॉर्ड कल्चरल और रीजनल फंक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज माय लॉर्ड दैट हैज टू बी फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम दी ग्राम सभा माय लॉर्ड विदाउट टेकिंग दी परमिशन फ्रॉम द ग्राम सभा माय लॉर्ड पढ़िएगा, ग्राम सभा की किस चीज के लिए परमिशन लेना, पढ़िएगा फिर से यस पढ़िए, माय लॉर्ड प्रॉब्ली भी मिस घात पढ़ प्रत्येक रहे हैं। जी हाँ घात पढ़ रहे हैं पहले। प्रत्येक पहले घा पड़ रहे सर ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, यस माय लॉर्ड रूढ़ियों, यस माय लॉर्ड उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। यस माय लॉर्ड दिस इज द ड्यूटी कास्ट ऑन दी ग्राम पंचायत। यस माय नाउ लॉर्ड प्लीज कम टू च, यस माय लॉर्ड ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड ड में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उन पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभी प्राप्त करे। यस इसमें माय लॉर्ड कहाँ है टू टुमोरो इफ आई वॉन्ट टू गो देयर यस माय लॉर्ड एंड होल्ड अ रैली और सभा, देन वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ग्राम सभा? माय लॉर्ड एज पर रूडी माय लॉर्ड ये इट ना आप इज तो, हाँ ये एक्ट से बिल्कुल पढ़ बिल्कुल के सही बताइए माय वकील साहब। लॉर्ड दिस इज दिस एक्ट इनेक्टेड माय लॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द भूरिया रिपोर्ट माय लॉर्ड दिस एनेक्टेड माय लॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द भूरिया रिपोर्ट माय लॉर्ड विच रिपोर्ट? भूरिया रिपोर्ट माय कहाँ है भूरिया लॉर्ड रिपोर्ट? दिलीप सिंह भूरिया कहाँ है वो दिलीप माय सिंह लॉर्ड भूरिया? ही हैज रिटन दिस बुक माय लॉर्ड पेसा कानून बाय द दिलीप सिंह भूरिया माय लॉर्ड नहीं, बात सुनिए वकील साहब, थोड़ा हम सर लोग वो 1300 पेज की है नहीं वो नहीं मैं नहीं अरे अरे लाया वकील साहब, उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको। जो अधिनियम बनता है जी वह किसी रिपोर्ट के ऊपर हो सकता है, जैसे OBC का रिजर्वेशन लाया गया तो गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट थी, यस माय लॉर्ड बट वो अधिनियम नहीं बन जाता है। अधिनियम जो होता है वो रिपोर्ट के ऊपर होता है। यस माय लॉर्ड अधिनियम का प्रावधान पढ़िए, अब अधिनियम के प्रावधान से बताइए कि किसी भी ग्राम सभा में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। विल इशू नोटिस टू दैट इज प्लेयर, नॉट व्हाट दी मतलब इज द इशू? कम दैट इज नॉट दी कम इशू दैट इज प्लीज नॉट दी कंप्लीट इशू प्लीज माय कम लॉर्ड टू प्रेयर क्लॉज, कम टू प्रेयर क्लॉज टू पढ़िएगा। टू डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट नॉट टू ऑर्गेनाइज द फंक्शंस टू बी हेल्ड ऑन 23 एंड 24 मार्च 2023 फॉर प्रमोटिंग द हिंदुइज्म एट द ट्राइबल एरियाज विच अफेक्ट द ट्राइबल माइथोलॉजी ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी?
सर आप मेरा जो बिलीफ है, जी जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जी उसको आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? माय लॉर्ड, ये पेपर देख लें आप, ये इलेक्शन पेज 46, हाँ, पेज 46। पेज 46, मतलब दिस इज द ट्राइबल एरिया माय लॉर्ड, और वहां पे पेज 46 देखें सर। पेज 46 बताइए। सॉफ्ट हिंदू मानने जाने वाले जिले में आयोजन कितना होगा कारगर, इसमें जिले में परसवाड़ा के 23। पेपर पेपर में छपने से क्या हो जाता है? पेपर में नहीं नहीं छपने से कम से मैं कम ये नहीं बताना चाह रहा हूँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के सारे जो जितने ट्राइबल्स हैं, बिकॉज वो ट्राइबल एरिया घोषित है सर, उस ट्राइबल एरिया के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि दिस ये जो कार्यक्रम है उनके भावनाओं को, उनकी रीजनल व्यवस्थाओं को सबको चौपट करेगा। और ये देखें सर, ये पूरा सारे विरोध चल रहा है, और वहाँ पर इवन देन अगर इवन पूरा देन विरोध हो रहा है तो ग्राम पंचायत को आना चाहिए था। ग्राम पंचायत भी तो ट्राइबल डोमिनेटेड ग्राम पंचायत माय होगी। लॉर्ड, दे माइट बी नोटिफाइड। वेरियस वेरियस यस, रिप्रेजेंटेशंस हैज बीन फाइल्ड बाय देम माय लॉर्ड वेयर बिफोर, आर दी ये प्रेजेंटेशंस? दीज आर दी रिप्रेजेंटेशंस माय प्लीज लॉर्ड। शो अस दी रिप्रेजेंटेशन। आपका पहला आर्गुमेंट तो नहीं बनता। ये 1996 के एक्ट में कहीं प्रतिबंध नहीं है, कहीं अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है। अब चलिए सर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, 19(5) देख लें सर, आर्टिकल 19(5। आर्टिकल 95। यस, आर्टिकल नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोसेस और प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द सेट सब क्लॉज आइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डी द और ई पढ़िएगा क्या है। डी क्या जी है? जी डी जी मूव जी फ्रीली जी थ्रू आउट मूव द फ्रीली टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस माय लॉर्ड।